सिंघम को अंडर एस्टिमेट अभी हम नहीं कर सकते, उसमें मेरे हिसाब से स्टारकास्ट बहुत तगड़ी है। अगेन साउथ वर्सेस बॉलीवुड में किसकी होगी जीत, ईगो, डायरेक्ट ईगो क्लैश होगी और इजी नहीं होगा। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मैंने ना कल एक पोल किया था अपने चैनल पे, जिसपे काफ़ी सारे लोगों ने वोट किया, जिसमें ये था कि यार ये पुष्पा 2 और सिंघम 3 के बीच में किसको पोस्टपोन होना चाहिए। तो 63% लोगों ने वोट किया है कि सिंघम 3 को होना चाहिए पोस्टपोन, और 37 ने किया है कि पुष्पा 2 को होना चाहिए। तो यार देखो, ये अब 2020 के बाद ना बॉलीवुड का एक डाउन टाइम आया था, राइट? तो वो डाउन हो गया था, तो लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। बॉलीवुड को अब थोड़ा सा समझ में आ गई कि किस तरह की मूवीज़ लोग चाहते हैं। बट वो पीरियड से हुआ ये है कि बॉलीवुड का ना एक थोड़ा सा इमेज ऐसी हो गई है कि भाई अगर कोई साउथ की मूवी आएगी तो वो हिला के रख देगी। तो अब ये जो कल परसों जो अनाउंसमेंट करी है पुष्पा 2 के मेकर्स ने कि भाई हम 15 अगस्त 2024 को पुष्पा 2 को रिलीज़ करेंगे, ये बॉलीवुड पहले ही अजय देवगन और रोहित शेट्टी साहब पहले अनाउंस कर बैठे हैं कि हम 15 अगस्त को रिलीज़ करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं डिस्कशन फिर से ईगो क्लैश की तरफ जा रही है, और इसी बात की वजह से इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे हर जगह एक शुरू हो गई है डिस्कशन अगेन, साउथ वर्सेस बॉलीवुड। देखो राजामौली साहब जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने RRR के टाइम ऑस्कर जाते हुए एक बात कह दी थी कि ये टॉलीवुड मूवी है रादर देन बॉलीवुड। तो लोगों ने उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि यार हम, मतलब हिंदी बेल्ट स्पीकिंग ऑडियंस ने, कि यार हम आपकी पिक्चर को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कॉल इट एज अ इंडियन फिल्म रादर देन की एक रीजनल फिल्म। इंटरनल हमारा अपना है, बट बाहर जाके आपको इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए। तो ये कहीं ना बात उठी थी उस वक्त भी, फिर दब गई, फिर बॉलीवुड की अब जवान आ गई, पठान आ गई, गदर 2 आ गई, इन लोगों ने बॉलीवुड को थोड़ा सा बाउंस बैक करवाया। मगर यार देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, सिंघम 3 को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें। उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। अजय देवगन तो मेन रोल में है ही, सूर्यवंशी, अक्षय कुमार भी हैं, सिम्बा आएंगे, रणवीर सिंह, और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो टाइगर श्रॉफ भी इस मूवी में हैं। तो बॉलीवुड का पूरा बॉलीवुड टूट के पड़ा हुआ है इस मूवी में। और रोहित शेट्टी की अगर हम इंटरव्यू देखें, जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी सिंघम 3 की, उन्होंने क्लियर कहा कि ये उनका कॉन्फिडेंस ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ी स्केल पे हम शूट कर रहे हैं। रोहित शेट्टी ने एक और बात कही थी अपने एक इंटरव्यू में, जब उनकी मूवी रिलीज हो रही थी रणबीर सिंह के साथ सर्कस, तो उन्होंने कहा था कि यार साउथ आप कर रहे हो, हम पहले भी थे, शोले भी हमने मनाई 1970s के बाद, साउथ ने भी हमसे काफ़ी चीज़ें ली, तो अब एकदम से हम थोड़े डाउन हुए हैं, तो हमको अंडर एस्टिमेट मत करो। अल्लू अर्जुन ऑन द अदर एंड, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि यार हिंदी ऑडियंस जो है वो हमारे टारगेट उसमें है मूवीज़ के, थिएटर ऑडियंस, और OTT पे भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अल्लू अर्जुन के जो ये पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं उनको इस बात का इल्म नहीं होगा कि सिंघम 3 ऑलरेडी 15 अगस्त 2024 को आ रही है। तो ये मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि ये फाइट ईगो, डायरेक्ट ईगो क्लैश होगी और इजी नहीं होगा दोनों में से किसी पिक्चर को शिफ्ट करना, बिकॉज पुष्पा 2 साउथ के हिसाब से भी रिलीज डेट फाइनल की होगी, सिंघम 3 पहले कर चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी यार, क्योंकि ये ना थोड़ा सा टक्कर की बात चल पड़ी है अब, और उसमें अब हमें ये देखना है कि कौन सी मूवी पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। आई थिंक देखो, अगर दोनों मूवी साथ में आती है ना, तो ये जो बड़े लोग कुछ बात करते हैं, अरे यार दोनों मूवीज आ गई कुछ नहीं है, अगर दोनों अच्छी होगी दोनों चलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, उनको आप क्लैश करवा रहे हो, कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस हैम्पर तो होगा। पुष्पा 2 हिंदी जो उसका लैंग्वेज है उसमें भी अच्छी खासी खुल जाएगी, 10-15 करोड़ तो खुलेगी अगर टक्कर में आएगी, वैसे आई थिंक 20-25-30 करोड़ कर सकती है। सिंघम को अंडर एस्टिमेट अभी हम नहीं कर सकते, उसमें मेरे हिसाब से स्टारकास्ट बहुत तगड़ी है, ट्रेलर रोहित शेट्टी कभी भी धमाका कर सकते हैं, सर्कस पिट गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास सिनेमा के, आई थिंक रोहित शेट्टी नंबर वन डायरेक्टर माने जाते हैं। तो आपका पोल जो आपने, जिसमें आपने 63% पुष्पा 2 को वोट किया है, थोड़ा सा दोबारा एनालाइज करो और बताओ मुझे कमेंट करके कि क्या लगता है आपको, कौन से मेकर से मिस्टेक हुई है। आई थिंक उन्होंने तो पहली कर रखी थी, पुष्पा 2 लोग की क्या थिंकिंग है, और ये अगेन साउथ वर्सेस बॉलीवुड में किसकी होगी जीत। साउथ इंडस्ट्री क्या उनका एक है कि हम बॉलीवुड से ज़्यादा बड़े हैं, वो इस डिसीजन से ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम बॉलीवुड, हमारे सामने कुछ नहीं है, या फिर ये एक हेल्दी है और उन दोनों मेकर्स को ये लग रहा है कि हम दोनों पिक्चरें लेकर आएंगे 15 अगस्त का वीकेंड और बढ़िया चल जाएगी। बने रहो मेरे चैनल पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर कुछ और अपडेट के लिए, अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी हो या कुछ शिकायत हो या कुछ फीडबैक हो, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे जाके मुझे फॉलो बैक जरूर कर लेना, वहाँ पे हम चिट चैट कर सकते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।